के थ्रू यहाँ पर। तो मोदी जी से, मोदी जी तो बहुत अद्भुत आदमी है, कुछ बहुत बिल्कुल अद्भुत आदमी है, और हम लोग और इस देश के अभी भाग्य विधाता हैं हम लोग। अरे इतना रविशंकर प्रसाद जी मंत्री नहीं नहीं, नहीं ना, हमारी कोई नहीं सुनता, अगर हमारी कोई सुनता तो हम बिहार से यहाँ नहीं आते ना। अच्छा बिहार से हैं। हाँ, और मैं जयनगर से हूँ, वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं थी। कितने बढ़ाएंगे? हाँ, सरकार का मानना है कि अभी एज नहीं बढ़ाई जा सकती है, ये 32 ही रहेगी। लेटरल एंट्री पर आपकी क्या राय, ठीक है, अच्छा है, गलत है? क्योंकि अभी पहले 11 हुआ था, अब 30 हुआ है, हो सकता है अगली बार मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं बोलूंगा मैं 500 लोगों को ऐसे ही रखूंगा, मेरी मर्जी। लेटरल एंट्री बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें मेरिट के बेस पर डिसाइड नहीं होता है, और इसके लिए कोई इम्तिहान नहीं है। आप डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पर ले रहे हैं, और यहाँ पर IAS की परीक्षा देने के लिए हमें अच्छा खासा मेहनत करके अटेम्प्ट देते हैं, और फिर जाकर के सिलेक्शन मिलता है। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ, और कुछ भविष्य के जो IAS जिसको बोलते हैं कलेक्टर, वो आपको दिख रहे हैं, और UPSC एक्स्ट्रा अटेम्प्ट डिमांड, इन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से इनकी अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। जनरल कैटेगरी के भी अटेम्प्ट फिक्स हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के भी अटेम्प्ट फिक्स हैं, तो अभी ये लोग अटेम्प्ट को लेकर डिमांड कर रहे हैं। तो अटेम्प्ट की बात भी बात करेंगे, लेटरल एंट्री पर भी बात करेंगे, रिजर्वेशन पर क्या रहा है लोगों की वो भी बात करेंगे, हिंदी को लेकर बात करेंगे, जिस तरह से रीजनल लैंग्वेज को भी शायद खत्म किया जा रहा है। क्या नाम है सर? सोहन कुमार नाम है। सोहन, क्या क्या क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? ये हम UPSC के छात्र हैं, UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपेयर कर रहे थे, 2020 में हमने अटेम्प्ट दिया है, और ये छात्र डिमांड कर रहे हैं जस्टिस के लिए कि इन्हें एक और अटेम्प्ट रिलैक्सेशन के तौर पर दिया जाए, ताकि इन्हें 2021 में फिर से अपियर होने का मौका। तो अभी एग्जाम तो रिशेड्यूल नहीं हुआ था ना, कोरोना में भी एग्जाम तो हुआ था UPSC का? कोरोना में एग्जाम जरूर हुआ था, पर जो COVID-19 के चलते जो सिचुएशन रही है, तो बहुत सारे हमारे साथीगण जितने पर तैयारी नहीं कर, हाँ तैयारी नहीं कर पाए हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी है। कोई स्टडी मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, और तमाम लोग को। कहाँ के रहने वाले? मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, लेटरल एंट्री सुना है आपने? अभी जो सीधे IAS से, IAS बनने के बाद 15 साल लगता है सेक्रेटरी बनने में, अब सीधे संयुक्त सचिव स्तर की जो बहालियाँ हो रही है, पहले 11 हुई थी, अब 30 हुई, उस पर आपकी क्या राय है? जो लेटरल एंट्री है, तो वो उसमें देखा जा रहा है कि उसमें कोई मेरिट्स डिसाइड नहीं होती हैं, और इंटरनल जो है डायरेक्ट आप जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर एज को लेकर के गवर्नमेंट बोल रही है, DUPT का कहना है कि एज में एज नहीं बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि हमारी डिमांड है कि 32 अभी तक है जनरल कैटेगरी में, तो इसको बढ़ा करके 33 आप कर दें, तो COVID-19 का जो सरकार क्या करी, एज नहीं बढ़ाएंगे? हाँ, सरकार का मानना है कि अभी एज नहीं बढ़ाई जा सकती है, ये 32 ही रहेगी। लेटरल एंट्री पर आपकी क्या राय, ठीक है, अच्छा है, गलत है? क्योंकि अभी पहले 11 हुआ था, अब 30 हुआ है, हो सकता है अगली बार मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं बोलूंगा मैं 500 लोगों को ऐसे ही रखूंगा, मेरी मर्जी। लेटरल एंट्री बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें मेरिट के बेस पर डिसाइड नहीं होता है, और इसके लिए कोई इम्तिहान नहीं है, आप डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पर ले रहे हैं, और यहाँ पर IAS की परीक्षा देने के लिए हमें अच्छा खासा मेहनत करके अटेम्प्ट देते हैं, और फिर जाकर के सिलेक्शन मिलता है, और ये बिल्कुल सही नहीं है। तो कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? मैं करीब, ये मेरा 9th अटेम्प्ट था, मैं OBC कैटेगरी में आता हूँ। OBC के लिए कितना अटेम्प्ट है? 9 अटेम्प्ट है। 9 अटेम्प्ट, अच्छा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राहुल है, और मैं लखनऊ से आया हूँ, और हमारी कैटेगरी बताओ। मैं भी कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, मैं OBC से आता हूँ, और मैं तो ये आप लोग और कितने अटेम्प्ट चाहते हैं? हम एक अटेम्प्ट चाहते हैं, जो 2020 में कोरोना पैंडेमिक था, जिसकी वजह से हम कोई जुगाड़ नहीं है IAS IPS या मंत्री, सीधे लेटरल एंट्री से घुसो ना यार। नहीं, लेटरल एंट्री हम बाद में देखेंगे, अभी लेटरल एंट्री में भी जो गवर्नमेंट ने प्रोसीजर बनाया है, वो सालों के घेरे में तो है ही है, क्योंकि उनके चहेते लोग उसमें जरूर आएंगे। ये हमेशा सन से बना रहेगा कि लेटरल एंट्री में जो नियुक्तियां हो रही हैं, वो बिल्कुल जस्टिसेबल हैं, नीट एंड क्लीन हैं, क्योंकि इसीलिए लेटरल एंट्री करी गई है कि उनके जो चहेते लोग हैं वो बैकडोर से एंट्री करें। और लेटरल एंट्री के पक्ष में खिलाफ है, उम्र वाला तो मसला है। नहीं, लेटरल एंट्री के हम बिल्कुल ही पक्ष में नहीं है। पक्ष में कब होंगे? जब बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन, वहाँ पे सारे क्राइटेरिया फिक्स हों, सारी चीजें उसमें फिक्स हो, ट्रांसपेरेंसी हो उसमें, तो हम उसके पक्ष में। अदरवाइज क्या नाम है मैम आपका? मेरा मधुकरण। मधु, कितना अटेम्प्ट दिया आपने? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, लेकिन 32 अब मैं क्रॉस कर चुकी हूँ। अच्छा, एज भी लिमिट कर दिया गया और अटेम्प्ट भी? अटेम्प्ट 7 हैं जनरल के, लेकिन मैं थोड़ा, हाँ 6 हैं, लेकिन मैं थोड़ी लेट थी, क्योंकि शादी और बच्चे में। मैं एक सिंगल मदर हूँ, और ये कोविड के दौरान मैं अपने पेरेंट्स के घर पे थी, मैं यहीं रह रही हूँ, मतलब पेरेंट्स के यहीं, मेरा 1.5 साल का बच्चा और मेरे मामा माता। कोई जुगाड़ नहीं है, कोई मंत्री उंत्री का रिश्तेदारी में नहीं निकल रहा? लेटरल एंट्री से बन जाइए कलेक्टर। नहीं, हम कायस्थ हूँ, हमारे यहाँ सिर्फ टीचर्स और बस इसी सब में कोई होते हैं। रविशंकर प्रसाद जी मंत्री? नहीं, हमारी कोई नहीं सुनता,
सुनता, अगर हमारी कोई सुनता तो हम बिहार से यहाँ नहीं आते ना। अच्छा बिहार से हैं? हाँ, और मैं जयनगर से हूँ, वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं थी। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैं तो 3 साल से कर रही हूँ बस। कितना मतलब आप लोग क्या अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं या थोड़ा सा रिलैक्सेशन क्या चाहते हैं? हम लोग इस बार एक अटेम्प्ट बनाना चाह रहे हैं विथ एज बार्ड, जितने भी कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाए। प्रॉब्लम ये नहीं है क्या कि हम लोग लेटरल एंट्री से एंट्री कर जाए, हम लोग सब अपने मेरिट पे आना चाह रहे हैं। लेटरल एंट्री में मेरिट का भी कहीं कोई डेफिनेशन नहीं है और हम लोग इतने सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कोरोना टाइम आप लोगों को मतलब उम्र की छूट नहीं दी जा रही है और उधर बैकडोर से बनाया जा रहा है? हाँ, उम्र की भी छूट नहीं दी जा रही है और एक अटेम्प्ट एक्शन हम लोग जेन्यून अटेम्प्ट मांग रहे हैं। हम लोगों ने एग्जाम दे करके आए और सबसे बड़ी बात है क्या कि ये कोरोना टाइम में हम सब ने सफर किया है। मैं सोशल सर्विस मैंने दिए मार्च अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, यहाँ जब लोग माइग्रेंट्स जा रहे थे तो मैंने फूड के थ्रू यहाँ पर। तो मोदी जी से, मोदी जी तो बहुत अद्भुत आदमी है, कुछ बहुत बिल्कुल अद्भुत आदमी है और हम लोग और इस देश के अभी भाग्य विधाता हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो हमारा भी आप लोग कहीं आप लोग वो मोदी जॉब दो वाले ट्रेंड तो नहीं करा रहे? हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पर जितने हैं ये सब देश सेवा में जाना चाह रहे हैं और देश सेवा में कौन सा सिविल सर्वेंट बना चाह रहे हैं। मतलब मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा, और हम सबको उम्मीद भी है। हम लोग उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि हम सब की बात। अच्छा मोदी जी का अभी तक का जो काम है, आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे तो देश के खिलाफ है ना, मोदी जी के खिलाफ? नहीं नहीं, संविधान धरना प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन संविधान में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, ये देश का देश के बारे में गलत मैसेज आता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैसेज नहीं जाता है। बात ये है क्या कि अगर वो अगर वहाँ पर जो हमारे कर्ता धर्ता बैठे हुए हैं, अगर उन तक हम कभी कभी उनके काम में हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पा सकती, इतने काम है और कुछ चीज़ें नेग्लेक्ट हो जाती हैं, तो हम उनको इस लाइमलाइट में लाना चाह रहे हैं, हमारी बातों को लाइमलाइट में लाना, उनकी नज़र में लाना चाह रहे हैं। लेकिन इस सरकार में धरना प्रदर्शन तो राष्ट्रद्रोह है? नहीं, राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता है, अगर देशद्रोह है। मैं तो राष्ट्रद्रोह कर रहा हूं, नहीं देशद्रोह भी नहीं है। हमारा जो धरना प्रदर्शन, हम अपनी बात बस उन तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो पहुंच गई हम अपने अपने घर चले जाएंगे बस। धरना प्रदर्शन अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम है और हम सब बस वही कर रहे हैं। हम सब यूपीएससी जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हमारा, हमारी मांग बस इतना है कि हमें एक साथ रिलैक्सेशन दे दिया जाए और एक। अच्छा कोई है यहाँ जो लेटरल एंट्री का समर्थक है? कोई नहीं है? अभी हम सब एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के समर्थक हैं क्योंकि बस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए हमें और हम कोई ये नहीं कह सकते। तो आप सोचिए ना, प्रधानमंत्री ने कितना अच्छा बनाया है कि आप लोग पहले कॉर्पोरेट में जाइए और वहां से कॉर्पोरेट से फिर सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनिए ना। आईएएस बन के क्या करेंगे, सेक्रेटरी बनना चाहते हैं ना, ज्वाइंट सेक्रेटरी यही सब बनना चाहते हैं ना जी। तो फिर तो मोदी जी वाला जो रास्ता उन्होंने तैयार किया है, पहले आप लोग अपने आप को कॉर्पोरेट में देखिए। पता आईएएस के बारे में मोदी जी की क्या राय है? एकदम निकम्मे होते हैं। उन्होंने संसद में कहा है, सुनो तो, संसद में कहा है कि आईएएस, सुना है आपने? वो बताए सर आप, संसद में उन्होंने कहा है कि आईएएस क्या मटेरियल है यार, जहाज भी चलाएगा, ये सारा काम आईएएस करेगा, ये सब बेकार लोग होते हैं, ये हम नहीं कह रहे, मोदी जी ने कहा। देखिए हम लोग यहाँ पर जो आपकी बात जो है वो इस ढंग से नहीं ली जा सकती है कि आईएएस एकदम बेकार है, क्योंकि आप शुरू से देखें, हमें जो भी हम जब आईएएस बनते हैं तो हमें अचानक से सेक्रेटरी नहीं बना दिया जाता है। आईएएस क्या है, आईएएस एक प्लानिंग, आगे जाकर के जो सेक्रेटरी बनते हैं वो धीरे धीरे उस एक्सपीरियंस के साथ। मोदी जी ने रास्ता खोल दिया है कि अब आपको आईएएस नहीं बनना है, मसूरी में ट्रेनिंग नहीं लेनी है, पहले जाओ समोसा बेचो और सीधे लेटरल एंट्री करके। आप सपना ही अगर वही हो कि मुझे मसूरी जाना है, मुझे ट्रेनिंग में जाना है और लोगों की मदद करनी है, मेरे जैसे लोगों की, जैसे मैं सिंगल। मोदी जी ने एक रास्ता दिया है ना मैम, उन्होंने कहा है कि पहले अपने आप को साबित करो, कोई बिजनेस कर। सरदार पटेल क्या कहते थे? सरदार पटेल कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी बैकबोन है हमारे सिस्टम की, और ब्यूरोक्रेसी में कैसे एंट्री लेनी है, उन्होंने उन्होंने ही बताया था। परीक्षा देने पर तुले हो, मैं आपको साफ बढ़िया रास्ता बता रहा हूँ। मैं आपकी बात समझ गया, आप कह रहे हो लेटर से जाओ, उसमें कितनी है, 10 सीटें हैं यहाँ पर, अभी 32 हो गया, अगली बार 300 हो जाएगा। सर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लेटरल एंट्री के थ्रू जो भी आएंगे वो कुछ खास फील्ड के ही लोग आ पाएंगे, कुछ ही लोग। आपको हर फील्ड के लिए, आपको नीचे से लेकर ऊपर तक प्रशासनिक विभाग हर डिपार्टमेंट में लोग चाहिए। लेटरल एंट्री सिर्फ कुछ ही डिपार्टमेंट्स के लिए और जो एकदम जिनके पास बहुत साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए है, और हम लोग तो बस वो ठीक है कि नहीं सो बताओ। लेटरल एंट्री अभी तो हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं, हम लोगों के हिसाब से अभी। आपका क्या रहा है भाई साहब, बहुत सीरियस लग रहे हैं आप तो अभी, मतलब है अभी कितना टाइम दे चुके शंभू जी? हमारा आपके माध्यम से सरकार से डीओपी, गुजरात से हो? राजस्थान से सरकार से डीओपीटी से और यूपीएससी से ये डिमांड है कि हमें एग्जाम में बैठने का मौका चाहिए, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें एक बार एग्जाम में बैठने का मौका दीजिए और हमारी कैपेबिलिटी पे, हमारी योग्यता पे हमें यूपीएससी में। आप एग्जाम देना चाहते हो, सरकार ने एक इंतजाम किया है कि आप अपने आप को पहले प्रूफ कीजिए, चाहे वो समोसा के बिजनेस में हो,
चाहे वो अंबानी के बिजनेस में हो, अडानी के बिजनेस में हो, उसके बाद सीधे आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड लैटरल एंट्री। व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन दैट? सर अभी आप बोल रहे हो कि सरकार चाहती है कि आप प्रूव कीजिए, तो हम ये सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें एक बार प्रूव करने का अपना आपको मौका दीजिए, एक अटेम्प्ट हमें और दीजिए। जो 2020 कह रहे हैं कि आप पहले बिजनेसमैन बनो, कॉर्पोरेट में अपना नाम रोशन करो, उसके बाद तुमको सीधे सरकार चलाने का मौका देंगे। अभी लेटरल एंट्री के बारे में हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा सिर्फ एक अटेम्प्ट के बारे में कि हमें एक अटेम्प्ट और दिया जाए जो एज बार्ड कैंडिडेट है और जो जिनका लास्ट टाइम था 2020 में, क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से कई सारे हमारे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर ऐसे थे जो डॉक्टर थे, सिक्योरिटी फोर्सेज में थे, जो बैंकर थे, जो अक्टूबर तक क्या नाम हुआ कैलाश कुमार। तो किस कैटेगरी से? जनरल कैटेगरी से। तो लेटरल एंट्री पसंद नहीं है? लेटर एंट्री के बारे में मैंने भी सोचा नहीं, मेरा मुद्दा है अभी यूपीएससी एक्स्ट्रा टाइम के बारे में। अभी यूथ की बात कर रहे हैं तो हो रही है, लेटरल एंट्री में ही हो रही है सर। आगे हम आगे आएंगे, सेक्रेटरी बन गएंगे ना सर, अभी हम यूथ की जरा एनर्जेटिक सर्वेंट। अरे यार, तो आईएएस बन के सेक्रेटरी बनना है ना सर, वो तब आएंगे। आप मेरे से, मैं आपसे अभी की बात पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता रहे हो 15-20 साल बाद। तो दूर दृष्टि रखो ना, लंबा सोचो। आपको नहीं पता 5 साल बाद कहाँ होंगे, क्या काम कर रहे होंगे, आप कैसे हमें बताएंगे सर। लेकिन हम लोग जो सपना देखे बचपन से आईएएस बनने का देखे, लैटरल एंट्री तो आ जाया है और इसके बारे में मतलब अभी न्यूज में आ रहा है हम लोग। अरे वैकेंसी आ गई यूपीएससी की भाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? लेकिन हम लोग अभी एग्जाम माहौल में मतलब यूपीएससी की तैयारी में फंसे हुए हैं, तो हम लोग का जो भी अटेम्प्ट। किस कैटेगरी से? जनरल कैटेगरी से। तो कितना अटेम्प्ट मिल गया? मेरा जैसे ये लास्ट था, छठा अटेम्प्ट था और 32 साल मतलब। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, सुनो आपका अटेम्प्ट लास्ट हो गया ना, मेरी बात तो सुनो, मैं आपको सही आइडिया दे रहा हूँ। आप अपने आप को कॉर्पोरेट में प्रूफ करो और सीधे सेक्रेटरी बनो। वही तो मैं सर आपको यही बात बोल रहा हूँ कि हम आईएएस बनने का ख्वाब देखे थे बचपन से, सेक्रेटरी बनने का नहीं। सेक्रेटरी तो उसका एक तो बाद का चीज है ना, कि पहले तो आप आईएएस बनेंगे। पहले तो बचपन में ये नहीं मालूम था कि आईएएस बन के होता क्या, तो फिर धीरे धीरे अब जो मालूम चला, फिर उसका प्रिपरेशन किए, तभी हम लोग उसी कैटेगरी में हैं। और हम लोग, हमको उम्मीद है कि अभी हमारी जो डिमांड है वो सरकार मानेगी और हमको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा और हम लोग अपना ये सपना पूरा मिलेगा आप लोग एक्स्ट्रा। हमें विश्वास है कि जो हमारी इश्यूज हैं और जो हमने फेस किया है, और सभी स्टूडेंट्स ने जो 2020 में फेस किया है, तो सभी स्टूडेंट और जो लास्ट अटेम्प्टर्स हैं स्पेशली वो डिजर्व। पूरा मत मानेगा, कोरोना था, उसके बाद भी एग्ज़ाम हुआ, इंटरव्यू हुए, 669 लोगों की पहले लिस्ट आई, 89 लोगों की। हमारे देश के जो स्पीकर है उनकी बेटी ने कमाल किया भाई साहब, आप लोगों को पता है कि नहीं? रिजल्ट था वो 2019 का रिजल्ट था, वो 2020 का भी मेंस का रिजल्ट आया नहीं है। नहीं नहीं, अभी अभी जो अभी मेंस का रिजल्ट नहीं आया ना, तो आप तो आप लोगों तो ने तो पिछला मेंस दे नहीं पाए ना। हमने पिछला मेंस भी दिया मैंने। हाँ, तो आपका नहीं हुआ? हाँ, उसमें मेरा नहीं हुआ था। तो इसका तो अब तो अगर सबके लिए लिमिट है 6 अटेम्प्ट जनरल के लिए, ओबीसी के लिए कितना है भाई? 9 और SC ST के लिए अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके अटेम्प्ट बढ़ाए जाए? हाँ, हम यही चाहते हैं कि जिन्होंने 2020 में जो उनके अटेम्प्ट खराब हो गए एक्चुअली, तो जिसका लास्ट अटेम्प्ट ना पड़ा था, आप लोग दिल्ली छोड़ना के गांव जाना पड़ा था, मतलब अपने अपने शहर में। बिल्कुल, हम लोगों को मतलब मैं यहाँ नहीं था, लेकिन जो भी लोग यहाँ दिल्ली में तैयारी कर रहे थे उनको अप्रैल में भागना पड़ा था, मैं लिटरली भागना पड़ा था, क्योंकि विदाउट ये शॉर्ट नोटिस पे अनाउंस हुआ था वो लोग बिना किताब। मैं और इन लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। देखिए, ये युवा लोग हैं और ये लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहते हैं। लॉकडाउन की वजह से एक साल खराब तो हुआ है, मजदूर हो, छात्र हो, सब लोग जो किराए पर रहते थे मुखर्जी नगर दिल्ली के और तमाम राजेंद्र प्लेस बाजीराव सब में कोचिंग करते हैं। लेकिन एक सवाल है जिस पर ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं कि लैटरल एंट्री के जरिए, सोचिए बहुत लोगों का सपना इस देश में आईएएस बनने का, उस मतलब बिहार के बारे में तो एक गंदी राय है कि वहाँ दहेज के लिए लोग आईएएस बनते हैं। खैर, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस बात बता रहा हूँ। लैटरल एंट्री हो रहा है, सीधे सेक्रेटरी बनाए जा रहे हैं, संयुक्त सचिव की वैकेंसी हो रही है, इससे SC ST OBC माइनॉरिटी का तो नुकसान हो रहा है, जनरल के जो लोग हैं उनका भी सपना खत्म हो जाएगा इसी तरह से लैटरल एंट्री होता रहा। तो दूसरी बात कि अटेम्प्ट को लेकर सरकार की राय है, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को ज़्यादा अटेम्प्ट मिलने का नुकसान होता है। अगर आप उम्र के हिसाब से आपकी कैटेगरी तय होती है, अगर आप SC ST OBC के हैं और आपको ज़्यादा अटेम्प्ट मिलता है, ज़्यादा उम्र में छूट मिलती है, तो आप ऊपर लेवल पर नहीं पहुँचे, आप IAS बन जाएंगे। लेकिन जिन्होंने शुरू में ज्वाइन किया है, जिन्होंने 28 साल या 30 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया है UPSC या भारतीय प्रशासनिक सेवा, वो सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचते हैं, सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचते हैं। लेकिन एक साल ख़राब हुआ है, सरकार को कंसीडर करना चाहिए इन लोगों की डिमांड को कि किसी का अगर एक साल ख़राब हुआ है तो ये लोग अटैम्प्ट करें। अच्छा, ऐसा तो नहीं है IAS नहीं बनेंगे तो और कुछ शादी ब्याह तो हो ही जा रही है आजकल?
नहीं वो इशू नहीं है, हम लोग ज़्यादातर ऑलरेडी जॉब में हैं और लंबे टाइम से हम जॉब में ही हैं। और मैं क्या करते हैं? मैं खुद टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ और पिछले 8 साल से मैं सर्विस। आईआईटीएन है आप? नहीं मैं आईआईटीएन नहीं हूँ, मैं एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से पास आउट हूँ। यहाँ कोई डॉक्टर डॉक्टर भी है? आजकल डॉक्टर इंजीनियर ज़्यादा आईएएस टॉप कर रहे हैं ना? नहीं मैं तो इंजीनियर हूँ। आप इंजीनियर आईआईटी से? नहीं नहीं मेरा केरला कोची यूनिवर्सिटी से इंजीनियर। आप क्या करती हैं मैम? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप भी? हाँ लेकिन शादी के बाद मैंने छोड़ दी थी क्योंकि बिहार साइड में आपको जॉब छोड़नी पड़ती है शादी से पहले, और फिर मैं सिंगल मदर हूँ। तो आप भी मतलब प्रोफेशनल हो? हाँ मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, ये एसएससी बैंकिंग और आईएएस के काफ़ी इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। देखिए मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोला, मैं यहाँ आया था इसलिए कि जो ये लोग हैं इनकी लेटरल एंट्री पर क्या राय है, क्या जो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से बैकडोर से आईएएस भी रखे जा रहे हैं, उस पर आईएएस की तैयारी करने वाले लोगों का क्या कहना है। लेकिन ये लोग बहुत पॉलिटिकल होते हैं, जो आईएएस की तैयारी करते हैं उनकी राजनीति बहुत शार्प होती है, जो खासकर जनरल कैटेगरी के लोग हैं अभी भी वो सरकार के खिलाफ नहीं दिखना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, चाहे लेटरल एंट्री हो जाए, चाहे यूपीएससी ख़त्म हो जाए। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के भी लोग हैं, उनके भी उनका तो और भी बहुत नुकसान है, उसके बाद भी वो बात नहीं करें। तो ये सच्चाई है कि इस देश में लोग जाति और धर्म के नाम पर बट गए हैं, और इसी का नतीजा है कि सरकार, चाहे ये स्टूडेंट हो, चाहे किसान हो, चाहे मुसलमान हो, किसी के विरोध को, किसी के किसी डिमांड को, जायज़ डिमांड को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उस सरकार को पता है कि हमने लोगों को बांट दिया है जाति में और धर्म में। ये सरकार के पास एक बड़ा पहलू है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका टेलीविज़न और अखबार की है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 30-30 आईएएस संयुक्त सचिव बना दिया जाए और उसके खिलाफ देश में आवाज़ ना उठे, और वो भी बिना किसी एग्ज़ाम के। आप कल्पना कर सकते हैं क्या? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्या इन स्टूडेंटों की मांग से आप सहमत हैं, या सरकार का जो तरीका है लेटरल एंट्री कर रही है उससे भी उसके आप साथ हैं? कैमरा निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करे।